जय हिंद दोस्तों, आज आईटी फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट को फेल किया गया है। क्यों फेल किया गया है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आज फिजिकल का जो प्रोसेस रहा वो किस तरीके से रहा, एंट्री से लेकर फाइनल प्रोसेस तक वहाँ पर क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो एंट्री होती है सुबह 6 बजे होती है। एंट्री के टाइम पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चेक किया जाता है। उसके बाद में सभी कैंडिडेट को अंदर एंट्री जाती है। अंदर एंट्री देने के बाद में सभी कैंडिडेट को सबसे पहले वहाँ पर जो चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराया जाता है कुछ इस तरीके से। चेस्ट नंबर देने के बाद में सभी कैंडिडेट को जो है चिप दी जाती है। चिप आप सभी को जो है पाँव में बांधनी होती है। चिप देने के बाद में सभी कैंडिडेट को जो है वहाँ पर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद में सभी कैंडिडेट की जो है वहाँ पर फिर रनिंग कराई जाती है। रनिंग जो होती है दोस्तों वो 1600 मीटर है मेल कैंडिडेट की, जिसके लिए आपको 7:30 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 800 मीटर है। 800 मीटर रनिंग के लिए आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो 4:45 सेकंड की टाइमिंग मिलेगी फीमेल कैंडिडेट को। और जो कैंडिडेट रनिंग के लिए दौड़ाते हैं वहाँ पर वो 50 कैंडिडेट दौड़ाते हैं, यानी कि एक ग्रुप जो बनता है वो 50 कैंडिडेट का बनता है। उसके बाद में जो कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई होते हैं, रनिंग में जो है सभी कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं हो रहा है। एक दो हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट है वो रनिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई होते हैं उनका हाई जंप और लॉन्ग जंप कराया जाता है। जो हाई जंप है मैं आपको बता दूँ वो 3.5 फीट है मेल कैंडिडेट का, और फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट है। हाई जंप कुछ इस तरीके से करना होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाई जंप को करने के लिए और लॉन्ग जंप को करने के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। यदि एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 मौके दिए जाते हैं। उसके बाद में लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको जो लॉन्ग जंप करना होता है। जो लॉन्ग जंप है मैं आपको बता दूँ कि मेल कैंडिडेट का जो लॉन्ग जंप है वो 11 फीट है, जो फीमेल कैंडिडेट का लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है। उसके बाद में इसमें करीब करीब लगभग 10 से 12 कैंडिडेट टोटल में जितने भी आते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपका 50 कैंडिडेट का बैच है तो उसमें किसी किसी बैच में 8 कैंडिडेट, किसी में 10 कैंडिडेट, किसी में 5 कैंडिडेट, इस तरीके से जो है इसमें अपने आपका हाई जंप लॉन्ग जंप में कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट हाई जंप लॉन्ग जंप में क्वालिफाई होते हैं उनका दोबारा से दोस्तों हाइट चेस्ट वेट मापा जाता है। हाइट चेस्ट जो उसमें मांगा गया है दोस्तों मैं आपको बता दूँ सभी पोस्टों में अलग अलग है। जैसे कि दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल में 1.65 सेंटीमीटर है, टेलीकॉम में 1.70 सेंटीमीटर है, और आपका जो है दूसरा हेड कॉन्स्टेबल जो टेलीकॉम है उसमें भी 1.70 सेंटीमीटर है। बाकी यदि आपने किसी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उसमें 1.70 सेंटीमीटर है। बाकी अदर पोस्टों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दी है, तो हम वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाइट होती है, हाइट के बाद में जो कैंडिडेट हाइट में क्वालिफाई होते हैं उनका वेट होता है। वेट जो होता है तो उसमें आपको बता दूँ वेट का कोई भी इशू नहीं है। यदि आपका वेट कम है या ज़्यादा है तो आपको वेट में फेल नहीं किया जाए। उसके बाद में चेस्ट में आप चेस्ट भी आपका टेलीकॉम में और एनिमल ट्रांसपोर्ट में 80 सेंटीमीटर, हेड कॉन्स्टेबल 78 सेंटीमीटर चेस्ट में आ गया। 5 सेंटीमीटर चेस्ट को जो फुलाना सभी के लिए अनिवार्य है। हाइट और चेस्ट में भी करीब 5-6 कैंडिडेट जो है एक ग्रुप में से फेल हो जाते हैं। ओवरऑल जो कैंडिडेट फेल होते हैं वो लॉन्ग जंप में और हाइट चेस्ट में फेल होते हैं, रनिंग में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद में सभी कैंडिडेट को जो है करीब 3 से 4 बजे सेंटर से बाहर भेज जाता है। इस तरीके से दोस्तों सभी का जो है आज का फिजिकल प्रोसेस रहा है, डेली भी इसी तरीके से चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट फेल हुए हैं वो आज जो फेल हुए हैं वो आपके हाई जंप लॉन्ग जंप में और हाइट चेस्ट में फेल हुए हैं। हाइट चेस्ट में दोस्तों इसलिए फेल हुए हैं कि वो चेस्ट फुला नहीं पा रहे थे। हाइट में वो फेल हुए हैं जिनकी हाइट कम थी। तो आप ध्यान दें कि यदि आपका जो चेस्ट है वो पूरा भी है तो आपको प्रैक्टिस करनी है चेस्ट फुलाने की। 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो फुलाना वो सभी के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि आप 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुला नहीं पाएंगे तो आपको वहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। आप सभी का दोस्तों इसमें अगले स्टेज में रिटर्न एग्जाम होगा, तो रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कब होगा, किस तरीके से सिलेबस रहना है, उसकी जानकारी हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी फिजिकल को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।